जय श्री हरि, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं क्या घर में हम अपने पूर्वजों की फोटो लगा सकते हैं जो हमारे घर से दुनिया से विदा हो चुके हैं। दोस्तों ये संसार मतलब यहाँ पर आना और जाना तो लगा रहता है, तो दोस्तों कोई ना कोई घर में हमारे जाता ही है, पहले कोई ना कोई जाएगा। तो दोस्तों उसका आशीर्वाद लेने के लिए हम अपने घर में फोटो लगाते हैं, उसके साथ में हमारी बहुत सारे यादें होती हैं, हमारे ऊपर उनका बड़ा उपकार होता है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ त्याग किया होता है। तो दोस्तों उनका प्यार, उनका त्याग याद करने के लिए और दोस्तों हम अपने घर में लगाते हैं उनकी तस्वीर। तो चलिए जानते हैं कितना सही है घर में तस्वीर को रखना। दोस्तों बात करें तस्वीर को लगाने की, तो ये हम पूजा पाठ करते हैं तो मंदिरों में लगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप भी पूजा पाठ में जहाँ पे आपका घर है, पूजा का गृह, वहाँ पे लगाते हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता है। आप और कहीं भी दीवार में लगा सकते हैं दोस्तों, परंतु बात करें पूजा घर में लगाने की, तो पूजा घर में नहीं लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे देवता हमारे ऊपर नाराज हो जाते हैं, हमसे रूठ जाते हैं, उनकी महत्ता कमजोर होती है। तो दोस्तों अगर आप देवी देवताओं का आशीर्वाद भी चाहते हैं तो वहाँ पर न लगाइए, उत्तर दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं, अधिक शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आप भी पूजा घर में न रखिए, क्योंकि आपको ईश्वर का भी आशीर्वाद चाहिए और पूजा के पश्चात उनको चाहिए प्रणाम करिए, उनको भी पुष्प चढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले भगवान की आराधना पूजा करिए, उसके बाद अपने पितरों की। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। नमस्कार।